శక్తి నమో నమః ప్రథమం భగవతి నమో నమః కుండలిని మాతా శక్తి నమో నమః देश के मंगल एवं पिताश्री के सम्मान हेतु ये स्वयंवर करना ही होगा। आप इस स्वयंवर को स्थगित करने का आदेश दे दीजिए। किंतु ये स्वयंवर स्थगित नहीं होगा। स्वयंवर से पूर्व वाटिका में तुम्हें राम मिले थे, आज द्रौपदी को कौन मिलने वाला है? कृष्णा। कृष्णा, हमें ज्ञात हुआ कि तुम अत्यंत विचलित हो, अतः स्वयं तुम्हारे पास चले आए। कृष्णा, हमने पूर्व में भी कहा है कि अर्जुन हमारी ही काया है। हम और अर्जुन दोनों एक ही हैं। जिससे तुम्हारा विवाह होने वाला है उसे तो स्वयं मृत्यु भी पराजित नहीं कर सकती। और जो तुम्हें वरण करने के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए वो तो तुम्हारे योग्य हो ही नहीं सकता। एवं यदि कृष्ण की मित्रता योग्य नहीं तो स्वयं कृष्ण भी किसी योग्य नहीं। हस्तिनापुर से पधार रहे हैं महामहिम भीष्म कुलगुरु कृपाचार्य दुशासन एवं राजकुमार दुर्योधन गंधार के महाराज शकुनी। मंत्री जी, इन्हें आसन तक छोड़कर आइए, पधारिए। पिताश्री, बहन द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होना था किंतु इस दुष्ट दुर्योधन एवं शकुनी के कारण उनकी मृत्यु हुई। अब हमें इन्हीं का स्वागत करना पड़ रहा है। पुत्र दुष्ट है किंतु अतिथि है, आयोजक धर्म का पालन करो पुत्र। महाराज शिशुपाल एवं जयद्रथ पधार रहे हैं। अंग देश के प्रजापति महाराज कर्ण पधार रहे हैं। पधारी। भ्राताश्री, हमने नगर में द्रौपदी नंदिनी के रूप की अनेक चर्चाएं सुनी हैं। हमने सुना है कि उनका रूप अग्नि के समान भव्य एवं तेजमयी है। अनुज, सुना तो हमने भी बहुत कुछ है कि राजकुमारी द्रौपदी अत्यंत रूपवती है। भांजे,
राजकुमारी द्रौपदी रूपवती हो या ना हो, किंतु यह अवश्य स्मरण रहे ये विवाह तुम्हारे राज्य विस्तार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः अपना ध्यान द्रौपदी के रूप में नहीं, अपनी योग्यता एवं बल पर केंद्रित करो। किसी भी अवस्था में तुम्हें इस प्रतिस्पर्धा में विजयी होना है भांजे। जी मामा जी, आप चिंतित ना हो, ये प्रतिस्पर्धा आपका भांजा दुर्योधन ही जीतेगा एवं अस रूपमती द्रौपदी का वरण करेगा। उत्तम भ्राताश्री, किंतु वह रूपवती द्रौपदी है कहां? राजकुमारी, आपकी एक दृष्टि पाने के लिए देश विदेश से लोग आर्यवर्त के समस्त वीर एवं महाराज पधारे हैं। आप उनके समक्ष अपना एक क्लांत मुखड़ा ले जाएंगी? हम क्या करें को, स्वयंवर में जाने की हमारी तनिक भी इच्छा नहीं, हमें भय सा लग रहा है। राजकुमारी, श्री कृष्ण के आश्वासन के उपरांत यदि आप ऐसा भाव रखेंगी तो ये श्री कृष्ण का अपमान होगा। अपने आराध्य श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए राजकुमारी। कृष्ण, 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 कृष्ण। हे वासुदेव, शक्ति दीजिए। हम तो आज तक ये नहीं समझ पाए कि इस तुच्छ से व्यक्ति को इतना सम्मान और इतनी प्रभुता क्यों दी जाती है। मथुरा नरेश, महाराज श्री कृष्ण एवं उनके ज्येष्ठ भ्राता बलराम पधार रहे हैं। हम तो आज तक ये नहीं समझ पाए कि इस तुच्छ से व्यक्ति को इतना सम्मान और इतनी प्रभुता क्यों दी जाती है। ये बात तो सर्वप्रथम आप ही को जाननी चाहिए। कारण ये आप ही के फुफेरे भ्राता है ना। समाप्त कीजिए इसके विषय में चर्चा और हमें कुछ द्रौपदी के संदर्भ में सुनाइए। जिससे तुम्हारा विवाह होने वाला है उसे तो स्वयं मृत्यु भी पराजित नहीं कर सकती, और जो तुम्हें वरण करने के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए वो तो तुम्हारे योग्य हो ही नहीं सकता। ध्रुपद, समस्त प्रत्याशी आ चुके हैं, अतः
स्वयंवर समारोह का शुभारंभ कर देना चाहिए। आप राजकुमारी द्रौपदी को स्वयंवर सभा में उपस्थित होने का संदेश भिजवाएं। हम कह रहे हैं आप राजकुमारी को सभा में बुलाएं। अब समय हो चुका है। पुत्र जाओ द्रौपदी को ले आओ। राजकुमारी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखिए, आप स्वयं मुक्त हो जाएंगी अपने रूप पर। आज आप पूरे त्रिभुवन की स्वामिनी लग रही हैं। ये रूप, ये यौवन, ये तेज एवं ये लज्जा अद्भुत अद्वितीय। कुहु, हमें ये प्रशंसा कर्णप्रिय नहीं लग रही। और ये रूप, यौवन, ये श्रृंगार, ये किसके लिए? राजकुमारी की जय हो। राजकुमार धृष्टद्युम्न पधार रहे हैं। बहना, स्वयंवर सभा में सभी लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा पिताश्री का भी यही मत है कि आपको सभा में उपस्थित होना चाहिए। श्री कृष्ण ने भी तुम्हें उपस्थित होने के लिए निवेदन किया है।